बॉलीवुड एक्टर से लेकर खिलाड़ी तक सब NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन लॉन्च कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं NFT और क्यों बढ़ रही है इनकी लोकप्रियता। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। किसी अर्थव्यवस्था में फंजिबल एसेट उसे कहते हैं जिसका हाथों से लेन देन हो सके। जैसे आपके पास 100 से 200 रुपए के नोट होते हैं जिनका आप लेन देन कर पाते हैं, ये नोट फंजिबल एसेट कहलाते हैं। इसके उलट नॉन फंजिबल एसेट होते हैं। NFT का विनिमय या लेन देन नहीं होता, इसीलिए ये बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी से भी अलग होता है। इनकी मदद से डिजिटल जगत में किसी पेंटिंग, किसी पोस्टर, ऑडियो या वीडियो को सामान्य चीजों की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। इसके बदले में आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं जिन्हें NFT कहा जाता है। NFT को आप नए दौर की नीलामी की तरह समझ सकते हैं। कोई आर्टवर्क या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया में ना हो, उसे NFT करके लोग पैसे कमाते हैं। NFT की खासियत यह है कि अगर आप खुद की बनाई गई पेंटिंग NFT कर रहे हैं तो आपको तब तक पैसे मिलते रहेंगे जब तक वो पेंटिंग बेची जाती रहेगी। जिंदगी भर आपको उस पेंटिंग की कमाई का एक हिस्सा मिलता रहेगा। NFT डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी चीज का कॉपीराइट किसी और के पास ना जा सके। आमतौर पर NFT क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही की जाती है, यानी अगर आप कुछ NFT करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन होगा वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही होगा। लेकिन ये फंजिबल नहीं होता, यानी खुद NFT की खरीद फरोख्त नहीं होती। ये असल में एक डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन में स्टोर किया गया एक विशिष्ट और गैर परिवर्तनीय डेटा यूनिट होता है। NFT में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसी एसेट पर डिजिटल ओनरशिप दी जाती है। सलमान खान बॉलीकॉइन के साथ मिलकर अपना NFT कलेक्शन ला रहे हैं। बॉलीकॉइन में अतुल अग्निहोत्री, अरमन पूनावाला और कॉयल लोपेस समेत अन्य लोग शामिल हैं। अतुल अग्निहोत्री सलमान खान की बहन अलवीरा खान के हस्बैंड हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी NFT लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चन के NFT में उनकी मूवी के उनके ऑटोग्राफ वाले पोस्टर शामिल होंगे। बॉलीकॉइन से जुड़े अयान अग्निहोत्री ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, NFT अभी बॉलीवुड के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म स्टार इसे अपने मौजूदा कंटेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे और कमाई करेंगे। बॉलीकॉइन असल में वो क्रिप्टो टोकन है जिसके द्वारा आप NFT खरीद सकते हैं। एक बॉलीकॉइन की कीमत 10 US सेंट, करीब 7.5 रुपए के बराबर है। यही नहीं, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक भी एक क्रिकेट मैच के 8 रील की डिजिटल ऑक्शनिंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अंतिम बॉल पर छक्का लगाकर जीत दिलाई थी। इसकी बेस कीमत 5 इथेरियम यानी करीब 15 लाख रुपए रखी गई है। इसी तरह देश के टॉप फैशन डिजाइनर्स में से एक मनीष मल्होत्रा ने भी हाल में अपने एक सबसे फेमस क्रिएशन के कुछ डिजिटल स्केच $4,000 प्रति पीस में बेचे हैं। हालांकि NFT के उभार से अब भी बहुत लोग हैरान हैं कि कोई सिर्फ ऑनलाइन मौजूद प्रॉपर्टी के लिए जो उन्हें फिजिकली नहीं मिलती, इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है। सितंबर 2021 की तिमाही में दुनिया भर में NFT की बिक्री करीब $10.7 अरब की रही है। ये जून 2021 की तिमाही की तुलना में 8 गुना ज्यादा है।